बगैर दावत इस्लामी के कहते हैं हाय वाह 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 क्या मैं ये अपने दावत इस्लामी वाले मीठे मीठे अपने पीर भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, यकदर गिर ते मोहकम गिर। जी हाँ, आज की सियासत के अंदर अब जितनी मजहबी तंजीमें भी देख रहे होंगे अच्छे लोग, मगर हमारी नजर में फिलहाल नहीं है। भाई आप एक दर को पकड़े, ठीक है, अपने पीर साहब की तरफ देखें, जो वो आपको तालीमात दे। हमें भी शौक चढ़ा था, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मुझे भी शौक चढ़ा था सियासत में आने का, और सियासी लोगों के साथ मैं खुद जाता रहा हूँ, मैं खुद जलसे करता रहा हूँ, मगर अकल बाग में आई है कि भाई यहाँ सब कुछ खाली है। जिन्होंने मौत को डर लगता होवे, घर बैठ के जिन्होंने टंगा कम दिया होवे, जेड़े लोगों की मर्जी के मुताबिक दीन बयान करते होवे, मर्जी के मुताबिक ते हुकूमत के मुताबिक मिंबर ते बैठ के दीन बयान करने वाले आज सानू गल्लां करनगे। ये फलां अपने जाती मकासिद के लिए निकले हुए हैं, ये फलां के लिए निकले। मैं कह पुत्र गल सुन, अलामा इकबाल कहंदा है कमी ना हो परा गंदा है शऊर तेरा। अलामा इकबाल कहंदे परेशान ना हो, ऐ जेड़ी सोच आई है ना, ऐ बड़ी गंदी सोच है, ते आई किदू है? फरंगियों का ये है फुसूकुम बिइज़्निल्लाह। इकबाल कहंदा है फरंगियों की तरफ आई है सोच। दीन के लिबादे भी ओढ़े हुए और जनाब बड़े बड़े जुब्बे और दस्तारे भी तुमने पहनी हुई हैं, और हुजूर की इज्जत पर बात नहीं कर सकते तुम, और तुम्हारी ये इज्जतें किसके लिए हैं? सुनो, ये सारे बहुत सारे लोगों के मुरीद होते हैं और मेरे बारे में फिर कहते हैं आपने हमारे पीर के बारे में। मैं तो पीर फकीर के बारे में बात करता ही नहीं हूं। दाता साहब कितने बड़े पीर हैं। दाता साहब ने पता है क्या लिखा, वली की सारी जिंदगी नबी के एक सांस के बराबर नहीं है। जब हुजूर की इज्जत की गल आवे तो फिर खड़ा कोई ना हो, फिर वो पीर है, तो फिर अपन जाना बचाए, तो अपने जनाब इदारे बचाए, तो अपने खानकामा बचाए। रसूलुल्लाह की तो सांस की भी करोड़ों ऐसे करो ना, फिर भी इसकी सारी जिंदगी उसके बराबर नहीं हो सकती, करोड़ों ऐसे के भी। ये तो दाता साहब ने सिर्फ अंबिया की बात लिखी है, रह गई हुजूर की बात तो खल्क से औलिया। तुम्हें मकामे रसूल का पता ही नहीं है, बातें लोगों को अगर मगर की करते हो। अगर मगर से नामूस रिसालत पर पैरा थोड़ा होना है, अगर मगर से पैरा नहीं होना पैरा। तो हमने किसी खास फर्द या तंजीम को टारगेट ही नहीं किया, ठीक है, तो फिर आपका मैसेज इस पर धमकियां, याद रखिए भाइयों, ये धमकियां देना ये एक मुसलमान का कोई तरीका कार नहीं।